व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आज नहीं बोलेंगे हम, आज हम आपको बोलेंगे वेलकम बैक इन अ वन मोर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक्साइटमेंट इतनी है, बेल्ट से ज़्यादा है। पिछले 7-8 दिनों से ऐसा वेट हो रहा है, और पिछले अगर आप 1-2 दिन की बात करेंगे तो मैंने वेबसाइट ट्रैकर पे कम से कम भी मिनिमम 1-1 मिनट में 30-30 बार भी कई बार मैंने रीलोड मारा है पेज। और ये जो सुबह उठते ही पहले फ़ोन करते हैं पार्सल कहाँ पहुँचा है, वैसे तो सुबह उठते नहीं है, दोपहर को उठते हैं, इनकी सुबह दोपहर को होती है, पर सुबह उठने के बाद पहला काम, होश नहीं आई होती है अभी, पर फिर भी पूछते हैं कहाँ पहुँचा है। अभी हम जा रहे हैं अपना शिपमेंट जो अपनी रिसीव हो चुकी है वो लेने जा रहे हैं, बाकी अनबॉक्सिंग अभी करेंगे और आपको बताएंगे क्या है, क्या वैसे मंगवाया गया वो तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है ऊपर आपको टाइटल देख के और थंबनेल देख के पता चल चुका होगा, पर अभी जब पूरा रहस्य खुलेगा उस डिब्बे का और जब उभर के बाहर आएंगी चीज़ें तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी वहीं पे चलते हैं। बस शिपमेंट जी बाहर आई है। सेम सब कुछ, बस प्रोडक्ट अलग है, एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी तरह भी आप देख सकते हैं, पीछे एनिमल आप देखें, बोलिए कुछ। अभी अनबॉक्सिंग होगी जी, अनबॉक्सिंग। तो अब है भाई सबसे मजेदार काम की, अब आपको दिखाए दो चीर हरण हो रहा है समय बॉक्स का। और ये तरह जी यहाँ पे हमारी वीडियो लीक करते हुए स्नैपचैट चलाते हैं आजकल लड़के, लौंडे स्नैपचैट चलाते हैं, इंस्टाग्राम को त्याग के स्नैपचैट चलाते हैं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एरोमैक्स से आया है पार्सल, देख सकते हैं ऊपर, जो कि इंटरनेशनल शिपमेंट रहती है। अब एक और चीज होने वाली है आज, डब्बे के अंदर डब्बा, जो कि और ज्यादा पसंद है। जस्ट डू इट ऑथेंटिकेशन का साइन नाइकी की तरफ से। ओ आप देखें यहाँ पे नाइकी जॉर्डन दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले सॉक्स हमने मंगवाई थी, जो कि 3-4 लोगों के लिए मिक्स, टोटल ये होंगी मेरे ख्याल से 12 जोड़े मीन्स 12 पेयर सॉक्स के, ये रखते हैं साइड में। देन उसके बाद ये गौरव की टी शर्ट, जो कि थी नाइकी की थी। तो समझी से पकड़िए, इसे डालिए इसमें। तो ये है जॉर्डन के स्लाइड्स जो हमने मंगवाई थी 10 नंबर में मीन्स। एक चीज़ और आपको और बता दूं, अगर आप US साइज के अकॉर्डिंग मंगवा रहे हैं, अगर आपका UK साइज जो कि इंडिया में जो जिसके अकॉर्डिंग परचेज करते हैं वो अगर आपका 9 है या 8 है, तो आप US साइज में मैक्सिमम जो फॉरन की आप साइट पे अगर ऑर्डर करेंगे तो वो आपको एक साइज ऊपर की
आपको प्रेफर करना है, तो मीन्स यूके अगर 9 है आपका तो आपको US 10 लेना है। ये स्लाइड्स पीछे जॉर्डन के लिए नहीं, आगे जंप मैन लोगो। ये रही सेकेंडरी चीजें जिसे हम करेंगे साइड, और हमारी प्राइमरी वीडियो जिसके ऊपर आज वीडियो बनने जा रही है। तो आपको 3 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों में सेम प्रोडक्ट है, 2 डिफरेंट साइज हैं, 2 10 नंबर जूते हैं, 1 9 नंबर जूता है। तो डिब्बे के अंदर डिब्बा, 1 डिब्बा, दूसरा डिब्बा और ये तीसरा डिब्बा। तो आप तीनों को एक साथ खोलेंगे, एक साथ नहीं खोल रहे। तो अभी आपको दिखाते हैं कौन सा साइज है। ये है 11 नंबर, ये भी है 11 नंबर, दानों वाले साइज है हमारे पैरों के। ये है 10 नंबर। तो आइए और आपको दिखाते हैं नाइकी रोमालियो 4 ट्रेनिंग शूज, वेट लिफ्टिंग शूज। तो ये रहा नाइकी रोमालियो 4 वेट लिफ्टिंग शूज। वेट लिफ्टिंग ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग में यूज होता है, पर आप पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट और बेंच के टाइम भी इसे यूज कर सकते हैं। एक बार पास से कवर अप दिखाएं पूरा शूज का 360 डिग्री। इसमें की है 2 स्ट्रैप्स आपको मिलेंगे, एक बॉटम टू अपर पूरा कवर करेगा, एक सिर्फ अपर का कवर करेगा। अंदर सोल इसका बात करें तो हार्डेस्ट मटेरियल एवर किसी शूज में, जो कि सबसे हार्ड है। नीचे नाइकी की लेबलिंग मिलेगी, उसके बाद अंदर आपको साइज लेबलिंग और पूरा बारकोड आपको मिलेगा स्कैन करने के लिए। उसके बाद शूज़ की आप क्लास देखें, A1। तो लेसेस भी आपको मिलेंगे टाइट करने के लिए, और बाकी तो परफॉर्मेंस इसकी ज़बरदस्त है। और आगे से ये ब्रीदेबल भी है मटेरियल, तो अगर स्वेट वगैरह आपको पैरों में ज़्यादा आता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे से आप देखें, पीछे से तो इसे मोड़ना इम्पॉसिबल है कि ये मोड़ पाएगा कभी, पर आगे से आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ताकि आप सिर्फ स्क्वाट नहीं बाकी भी कोई वर्कआउट अगर जिम में कर रहे हैं उस टाइम भी आप इसे डाल सकते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रही हमारी एक पेयर, ये रही हमारी दूसरी पेयर। नीचे है हमारी एक और पेयर। तो जूते इतने हो चुके हैं इस टाइम, ये है मेरा साइज 10 नंबर। तो शूज की डिस्क्रिप्शन आपको अभी हमने पूरी बता दी है, अनबॉक्सिंग वीडियो दी, तो शूज की अनबॉक्सिंग हमने आपको करके दिखा दी है। और आने वाले दिनों में आपको मैं इस शूज की रिव्यू वीडियो भी बना के दिखाएंगे कि क्या किस तरह से कारीगर साबित होती है। पर बाकी शूज की बात करूं, एक सजेशन आप लोगों को और देना चाहूंगा कि आप कोई भी परचेज करते हैं लाइफ स्टाइल चीजें या कोई भी शूज, तो एक चीज का ध्यान रखें, शूज हमेशा प्रेफर करें कि आप एक अच्छी ब्रांड का लें, जो कि आपको, देखिए शूज काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पूरे बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है। यही चीज है जो आपके बेस को, आप जिस पे चल रहे हैं, आपके फीट को बैलेंस करता है, आपकी लोअर बैक, आपकी पूरी स्पाइन को सपोर्ट देने में जिसकी काफी मदद रहती है। तो आजकल कॉपी प्रोडक्ट्स भी काफी 2 से 3 हजार में आ जाते हैं, तो उसको खरीदने से बेहतर मैं आपको कहूंगा आप बाकी ब्रांड के, जो भी कंपनी है, जो ब्रांड है, जो एक्सपर्ट्स हैं एक शूज बनाने में, उनकी ओर जाएं। क्योंकि आप 2 से 3 हजार अगर आप किसी कॉपी प्रोडक्ट पे खरीद रहे हैं, तो ऑफिशियल साइट्स पे भी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे इतने प्राइस में। थोड़ा वो वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बेस मॉडल जरूर मिल जाएगा। और काफी सारी ऑफ चलती रहती है सीजन में, तो आपको महंगे शूज भी कम रेट में आपको मिल जाते हैं, जो कि पॉसिबल रहता है।
तो एक शूज बनाने में कंपनी काफी मेहनत करती है, जो कि आपके पूरे इंजीनियर लगते हैं एक शूज बनाने में। काफी ज्यादा आपको मैं बताऊं तो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि डिजाइनर होते हैं सारे आपके फीट के अकॉर्डिंग, जो कि एक्सपर्ट है उस चीज को बनाने में। तो आप उसकी ओर जाएं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। पर अगर आप एक अच्छी स्पोर्ट चाहते हैं लाइफ टाइम, अगर आप अपने बैग को, ये काफी लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं पर इसका बहुत बड़ा रोल है, आपकी स्पाइन पर बहुत जोर पड़ता है। अगर आप एक बेहतर प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग तो सोल भी खरीदते हैं, 4-5 हज़ार के सोल खरीदते हैं शूज के अंदर स्पेशली लगाने के लिए, ताकि बैक स्टेबल रहे। क्योंकि इंडिया में क्या रहता है, हमारे जो भी फ्लैट नीचे बेस है वो हार्ड रहते हैं, फॉरन में मैक्सिमम ज़्यादातर वुडन यूज़ होता है जिससे कि नीचे हार्डनेस नहीं रहती है। तो लोग स्पेशली सोल यूज़ करते हैं, सॉफ्ट सोल यूज़ करते हैं, ताकि उनकी बैक में कोई दिक्कत ना आने वाले टाइम में। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, और आने वाले दिनों में आपको इसका रिव्यू भी देंगे, और लास्ट वीडियो हमारी जो थी SBD की उसका भी रिव्यू देंगे। तो फिलहाल हम करेंगे कुछ दिन यूज़, कुछ दिन लगातार यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा क्या चीज़ है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में और नई वीडियोज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।